एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम अच्छा करना चाहते हैं, हम बुद्ध की राह पर चलना चाहते हैं, हम सच की राह पर चलना चाहते हैं, मगर चल नहीं पाते, क्यों? कैसे हम सत्य की राह पर चलें, कैसे हम बुद्ध की राह पर चलें? हम ध्यान करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, क्यों? और फिर पछतावा होता है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम कर नहीं पाते, करना चाहते हैं क्यों? और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। तथागत तो केवल मार्गदर्शक हैं, और जो विवेकशील मनुष्य धर्म मार्ग का अनुसरण करता है वह मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कभी भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इस सत्य की राह पर हमें स्वयं चलना होगा, बुद्ध के मार्ग पर हमें स्वयं चलना होगा, शाश्वत सत्य धर्म की राह पर हमें स्वयं चलना होगा। बुद्ध हमसे कहते हैं कि जिसके निश्चय दुर्बल होते हैं ऐसा आदमी कभी भी बोधि पथ का अनुसरण नहीं कर सकता। और इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है वह निश्चय दुर्बल वाला ही है। हम चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पाते, क्यों? अगर चलना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं चल पाते? एक आदमी घर से बाहर निकलता है, उसे जलेबी की दुकान दिखती है, गरम गरम जलेबी बन रही है, उसे लगता है कि मुझे जलेबी खानी चाहिए। वह तुरंत अपने कदम रोक लेता है और जलेबी की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। जलेबी बनने का इंतजार करता है, जलेबी की दुकान पर लाइन लगी हुई है, वो उस लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। और घर से वह जलेबी खाने के लिए नहीं निकला था, जलेबी के लिए तो अचानक ही जलेबी दिखाई देती कि जलेबी बन रही है, लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, जलेबी बनने की खुशबू चारों ओर फैल रही है। मन ने कहा कि जलेबी खाओ, वो रुक गया। जब हम जलेबी खाने के लिए प्रयास करते हैं तो लाइन में भी लगते हैं, इंतजार भी करते हैं, और इंतजार करने के बाद भी, लाइन में लगने के बाद भी जलेबी हमें मिलेगी यह भी गारंटी नहीं। हो सकता है कि जलेबी ख़त्म हो जाए हमारी लाइन आने तक, नंबर आने तक, लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रयास करता है जलेबी का, जलेबी खाने का। इसी तरह जब जलेबी खाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, मन ने कोई बात कही हम उसको मानने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, उसके लिए अपना वक्त भी देते हैं और उसके लिए अपने पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन जब बात आती है ध्यान साधना की, बुद्ध के मार्ग पर चलने की, धर्म की राह पर चलने की, तो हम कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं मगर हो नहीं पाता, क्यों? निश्चय दुर्बल है। और जिस व्यक्ति के निश्चय दुर्बल होते हैं ऐसा आदमी कभी भी बोधि पथ का अनुसरण नहीं कर सकता, बुद्ध कहते हैं। बोधि पथ का अनुसरण करने के लिए तो दृढ़ संकल्प चाहिए। और दृढ़ संकल्प कब पैदा होता है? दृढ़ संकल्प बुद्ध का पैदा हुआ था जब उन्होंने एक वृद्ध देखा, एक बीमार देखा और एक मृतक को देखा। मृतक को देखते ही जब सारथी से पूछा और सारथी ने कहा कि यह तो इस संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना भी होगा, तब बुद्ध ने कहा कि फिर यहां करने जैसा क्या है? फिर खोज करनी होगी कि कौन है जो था और कौन है जो फिर नहीं था, फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर यह आना जाना
यह आने वाला कौन था और यह जाने वाला कौन है, यह क्या है, इसको जानना होगा। अभी हमने मृतक नहीं देखा। बुद्ध की आंखों की तरह हमारी आंखों में अभी वह अप्रमाद नहीं प्रकट हुआ, अप्रमाद से दिखाई देता है। प्रमाद से थोड़ी दिखाई देता है, प्रमाद से तो यही दिखाई देगा कि मेरा क्या है, मैंने क्या बना लिया, मैंने क्या जोड़ लिया, मेरी कौन सी इच्छा पूरी हो गई, कौन सी रह गई, अब क्या कर लूँ, अब क्या नहीं कर लूँ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी मान बढ़ाई, मेरा मैं, मेरा अहंकार, मेरा एटीट्यूड, यही सब, मेरी वाही वाही, सब यही दिखाई देता है। अप्रमाद से पहली बार जीवन दिखाई देता है कि जीवन में क्या करने जैसा है। तब दृढ़ संकल्प पैदा होता है। दृढ़ संकल्प ऐसे पैदा नहीं होता कि हम संसार में दौड़ते चले जाएं, संसार की तृष्णा के पीछे भागते चले जाएं और यह सोचें कि हम ध्यान साधना भी कर लेंगे क्योंकि हमने कहीं अखबार में कोई लेख पढ़ा है कि ध्यान साधना करनी चाहिए, या हमने कोई प्रवचन सुना है कि ध्यान साधना करनी चाहिए, या हमने कोई किताब पढ़ ली बुद्ध की जिसमें लिखा हुआ है कि ध्यान के बिना जीवन में कोई गति नहीं हो सकती। ऐसे दृढ़ संकल्प कब पैदा होगा? दृढ़ संकल्प तो पैदा होता है कि पहली बार मुझे यह पता तो चले कि मेरे जीवन की गति क्या है, मेरे जीवन की दिशा क्या है, मेरी राह कौन सी है, मेरे जीवन का अब तक का सार क्या है, मैंने अब तक क्या पाया, इतना जीवन जिया इसमें अब तक क्या पाया, रोज मार पड़ रही है, रोज कलह हो रहा है, रोज जीवन में कलेश पैदा हो रहा है, रोज तृष्णाएं दौड़ाती चली जा रही हैं, रोज जीवन कि यह दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती, यह जीवन की लालसा, इसमें कुछ पा लेना और कुछ खो लेने का यह द्वंद्व चलता ही रहता है और कभी भी मन की शांति नहीं मिली, और फिर भी मन कहता है कि अभी संसार में कुछ और मिलेगा। प्रमाद गहरा है, बेहोशी गहरी है, और अप्रमाद आते ही पहली बार दिखाई देता है। पहली बार कोई मृतक दिखाई देता है, वो जो यह कहता है, जो यह उस मृतक की घटना यह बताती है कि तुम भी लाइन में लगे हो, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा, अगले पल भी आ सकता है, तब पता चलेगा कि फिर जीवन में हम कर क्या रहे हैं। यह छीना झपटी, यह मिथ्याचरण, यह भोग विलास, यह वासनाएं जो कभी भरती नहीं। बुद्ध ने कहा कि वासना दुष्पूर है, कभी नहीं भरती, बिना पहंदी के, बिना तले के बर्तन की तरह, जिसमें जितना डालो उसका पता ही नहीं चलता, और मन कहता चला जाता है लेकिन भरता नहीं। इसी तरह से हमें यह सोचना होगा कि जब किसी मृतक को देखते हैं तब यह अंदर गहरे में एक धक्का लगना चाहिए कि कल मेरा भी नंबर आने वाला है, और मैं जो जीवन जी रहा हूँ इस जीवन में मैंने क्या पाया और मैं क्या पा लूँगा, क्योंकि यह व्यक्ति भी जो दौड़ भाग कर रहा था यह भी खाली हाथ जा रहा है और मैं भी खाली हाथ जाऊँगा, फिर मैं यह जो कलह कलेश इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं यह जो हाय हाय करता चला जा रहा हूँ, यह सब मेरे साथ ही चले जाने वाला है, क्योंकि मैंने वह नहीं कमाया जो साथ जा सकता है। और बुद्ध कहते हैं कि जिसने धर्म के लिए प्रयास किया वही कमाई साथ जाने वाली है, धर्म की राह पर जो चला वही साथ जाने वाला है, वही कमाई साथ जाने वाली है, वही प्रयास साथ जाने वाला है। और जो भी व्यक्ति संसार की दौड़ में, तृष्णा की दौड़ में, संसार के भोग विलासों को पाने के लिए दौड़ रहा है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि अंत में वो खाली हाथ जाएगा।
और जिसने धर्म के लिए प्रयास किया, जिसने निर्माण के लिए प्रयास किया, जिसने समाधि के लिए प्रयास किया, उसका प्रयास जैसा भी हो, उस प्रयास को वह साथ लेते हुए जाने वाला है, वही उसकी कमाई है। हमें विचार करना होगा, हम नहीं कर पाते क्यों, अपने से पूछना होगा कि मैं दौड़ रहा हूँ संसार में क्यों, इन तृष्णा को मैं कब तक इकट्ठी करते रहूँगा, इस तृष्णा के लिए मैं कब तक दौड़ लगाता रहूँगा। मैं बचपन से दौड़ रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को दौड़ते हुए देखा, मैंने किसी को भी मन से खुश और शांति घटित होते हुए नहीं देखा। क्या कोई व्यक्ति दिखा जो मन से बिल्कुल शांत हो, जो बिल्कुल बुद्धि की तरह स्थिर और शांत हो, जिसके अंदर बुद्धत्व घटित हो गया हो, जिसके अंदर बुद्धि की तरह रश्मियाँ फैल रही हो, जो बुद्धि की तरह आकर्षित कर रहा हो, क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति नजर आया? क्या जिन व्यक्तियों ने अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए दौड़ लगाई और भोग विलास के साधन इकट्ठे किए, उनमें कहीं बुद्धि की तरह वो शांति नजर आती है? क्या वो स्थिरता नजर आती है? हम रोज ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, उनको हम बिजनेस टाइकून कहते हैं, उनको हम आइकॉन कहते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर बुद्धि की तरह शांति है? क्या उनके अंदर बुद्धि की तरह वो आकर्षण है? फिर हम क्या पा लेना चाहते हैं? अपने से विचार करना होगा। प्रश्न अच्छा है, लेकिन आंसर उत्तर अंदर से ही आने वाला है, कहीं बाहर से कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अपने आप से ही पाप और पुण्य दोनों ही अर्जित किए जाते हैं, अशुद्धि तथा शुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है, एक आदमी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा, और प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, प्रयास करने के लिए शांत मन चाहिए, स्थिर मन चाहिए, और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ चित्त चाहिए, लक्ष्य सामने होना चाहिए। क्या उद्देश्य है जीवन का? भोग विलास? अगर भोग विलास उद्देश्य है, अगर वाही वाही लूटना इस संसार की उद्देश्य है, अगर लोगों की वाही वाही लूटनी है, अगर लोगों का मान आदर चाहिए, अगर यही उद्देश्य है, अगर उद्देश्य यह है कि कल को भोग लेंगे, अभी वासनाएं मजा दे रही है, तो फिर अभी दृढ़ संकल्प पैदा नहीं हुआ ध्यान के लिए। सोचो, अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो ये कहता है कि मैं खाना तो खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं खाने के लिए प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ। भूख लगती है, व्यक्ति छीनने को उतारू हो जाता है, चोरी करने को उतारू हो जाता है, कहीं से भी रोटी चाहिए, कुछ नहीं तो वह पत्ते ही खा लेगा, कुछ नहीं तो वह रूखा सूखा जमीन में पड़ा हुआ ढूंढेगा, कूड़े के बर्तन में जाके ढूंढेगा, किसी भी तरह से उसको मुंह में डालना है, उसको पेट की प्यास आग बुझानी है। और हमारा क्या, हमारा हाल ऐसा है कि हमें भूख लग रही है, हमें ध्यान की भूख लग रही है, हमें बुद्धत्व की भूख लग रही है, हमें बुद्ध के उपदेशों पर मनन करने के लिए और गहरे में उनको अपने अंदर अर्जित करने के लिए प्यास गहरी हो गई है, और अब हमें किसी भी हद तक गुजर जाना होगा? क्या कभी ऐसा घटित हुआ? नहीं। इसलिए सिर्फ बाहर से एक कही कहाई बात है, सुनी सुनाई बात है कि सब बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे हैं, अच्छे लगते हैं कानों में, तो चलो प्रयास करते हैं। एक दिन प्रयास किया, किसी ने कह दिया विपश्यना साधना के केंद्र हैं, वहाँ भी चले गए, 10 दिन का किसी तरह से शिविर अटेंड कर लिया, 10 दिन किसी तरह से कट गए, और घर आकर अच्छा भी लगा कि चलो कल से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे 15 दिनों में ही पता चल गया कि यह अपने बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि संसार हावी हो गया। संसार क्यों हावी हो रहा है? क्योंकि अभी दृढ़ संकल्प गहरा नहीं है, अभी प्यास उतनी गहरी नहीं है, अभी बुद्ध की तरह वो ललक पैदा नहीं हुई, जो बुद्ध अपने पिता से कहते हैं कि जिस घर में आग लगी हो उस घर से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह आग से निजात पाने का यही तरीका है। और जो भी व्यक्ति आग लगे हुए घर में भी यह सोच रहा है कि अभी नहीं आग बुझ जाएगी, अपने से बुझ जाएगी, क्या करना है, चलो छोड़ो ऐसे ही रह लेंगे, और लोग भी तो रह रहे हैं, कईयों के घर में आग लगी हुई है, सब ठीक ही
ठीक ठाक ही हो गए, ऐसे आप तो बुझ गई अपने आप से या कोई बुझाने आ गया, तो क्या करना है? ऐसे ही सभी लोग जीवन जी रहे हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, वह व्यक्ति घर के अंदर से कभी बाहर नहीं निकलता। मोह, उसको उस घर का मोह इतना है, उस घर का लोभ इतना है, उसे उस परिवार का, परिवार का राग और परिवार का मोह इतना है कि वह व्यक्ति बुद्ध की राह पर चल नहीं सकता। बुद्ध की राह पर चलने के लिए तो बुद्ध की तरह ही निर्णय लेने होते हैं, और निर्णय दृढ़ संकल्प से भरे। बुद्ध कहते हैं कि जब तक घर वापसी जाने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। यह बुद्ध के वचन हैं। जब बुद्ध को कहा कि तुम घर वापस चले जाओ, तुम्हारे पिता व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि घर वापसी से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले मैं घर की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा, इतना दृढ़ संकल्प चाहिए। कि क्यों नहीं कर पाते, इस प्रश्न का उत्तर खुद से पूछना होगा, और क्यों नहीं कर पाते इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ यह भी पूछना होगा कि मैं इस संसार में क्यों दौड़ रहा हूं। जब बुद्ध कहते हैं कि आर्य सत्य है कि संसार में दुख है, जब आर्य सत्य ही है कि संसार में दुख है, तो फिर मैं कौन से सुख की खोज कर रहा हूं इस संसार से? इस संसार से मेरी अपेक्षा क्या है, मुझे क्या मिल जाने वाला है, जब इस संसार में दुख ही है? और कौन कह रहा है? कोई साधारण आदमी तो नहीं कह रहा है, बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध जब यह कह रहे हैं कि संसार में दुख है, तो यह स्टेटमेंट ध्रुव सत्य है, शाश्वत सत्य से निकला हुआ सत्य वचन है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, जो अनंत जन्मों तक शाश्वत सत्य ही रहेगा। कि दुख है और दुख का कारण है, और दुख का निदान किया जा सकता है, और दुख का निदान का उपाय है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही दुख से पार ले जाने वाली और इस भवलोक से निर्वाण तक पहुंचाने वाली विधि भी है, इसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया। बुद्ध ने हमें यह सब कुछ दिया है, और हम अब बुद्ध से यह पूछते हैं कि अगर आर्य सत्य है तो फिर दुखी, अगर आर्य सत्य है तो फिर संसार सुख की तलाश क्यों कर रहा है? यहाँ प्रमादवश कर रहा है, देखा देखी कर रहा है। कभी आपने दिल्ली में या बॉम्बे में अगर अपना जीवन बिताया हो, और मेट्रो रेल का कभी सफ़र किया हो, तो वहाँ एक आदमी दौड़ता है, मेट्रो से निकलता है और दौड़ लगाता है, जो चेकआउट वाले पॉइंट हैं उन गेट से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाता है। एक आदमी दौड़ता है, उसके पीछे पचासों सौ आदमी दौड़ने लग जाते हैं, और किसी एक आदमी को रोक कर पूछो कि क्यों दौड़ रहे हो, वो कहता है कि आगे भी तो लोग दौड़ रहे हैं, पहले दौड़ना होगा क्योंकि भीड़ पीछे से आ रही है, उससे पहले इन गेटों से बाहर निकल जाना होगा, एग्जिट से बाहर निकलना होगा, या नीचे जाकर कोई और दूसरी ट्रेन पकड़नी है, तो वो दौड़ लगाता है। सुबह दौड़ लगाता है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, समझ में आता है, लेकिन वो शाम को भी दौड़ लगाता है जब उसे घर को जाना होता है। कोई पूछे कि क्यों दौड़ रहा है, वो कहता है कि नहीं क्योंकि भीड़ पीछे से आ रही है, और भीड़ से पूछो, भीड़ कहती है कि क्योंकि लोग आगे से दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं, और घर जाके कुछ करना नहीं है, घर जाके फिर वही कलह कलेश, इतनी लेट क्यों आए, सब्जी नहीं है, तो यह हो गया, बच्चा बीमार हो गया, मेरी तबीयत खराब है, सर में दर्द है, सुनना उसने यही है। घर जाकर भी ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, जाकर टेलीविज़न खोल लेगा, फिर उसमें मैच देखेगा, फिर उसमें सट्टाबाजी करेगा, फिर 50 रुपये कहीं लगा देगा, 100 रुपये कहीं मैच में लगा देगा, फिक्सिंग में लगा देगा, या कोई और सीरियल देखेगा, या कोई अपने बच्चे के साथ बच्चे को पढ़ाने लगेगा, दोस्त की पिटाई करने लग जाएगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है, या बीवी से कुछ झगड़ा करने लग जाएगा, या ऑफिस की पूरी जितनी भी उसने आज ऑफिस में जो भी हुआ है उसको बताने लग जाएगा, पूरी गाथा सुनाएगा, चाय पिएगा, वहीं लेट जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, करना कुछ नहीं है। लेकिन जब वो ऑफिस से घर को आ रहा है तो अपने साथ 100 आदमियों को और दौड़ा देता है, क्योंकि वो दौड़ रहा था, 100 आदमी और पीछे से दौड़ रहे थे,
मन इस तरह से दौड़ रहा है, करना क्या है कुछ पता नहीं, क्यों दौड़ रहे हैं कोई पता नहीं, इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है। जरा भीड़ में जाकर देखें दिल्ली में या बॉम्बे में तो पता चलता है कि मनुष्य का जीवन कहाँ दौड़ा चला जा रहा है, और मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। जब किसी मृतक को देखते हैं तो मृतक दिखाई नहीं देता, वो कहता है कि मौत तो उसके लिए है, मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो अभी धन कमाने के लिए आया हुआ हूँ, अभी तो मैंने बाल बच्चों की परवरिश करनी है, और पता उसे नहीं अगले पल का भी, और कल को तो मौत आनी ही है। यह जो मरा हुआ व्यक्ति था यह खबर दे रहा था कि तुम भी लाइन में लगे हुए हो, लेकिन यह दिखाई नहीं दे रहा है, यह आभास ही नहीं होता, यह भान ही अपने मन में नहीं आता। इस तरह से भ्रम में मनुष्य जी रहा है, और कभी कोई ख्याल ऐसा आता है तो वो कहता है कि करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्यों? प्रश्न दूसरे से पूछ रहा, प्रश्न का उत्तर जबकि अपने से ही मिलने वाला है। मैं करना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं, मुझे भी पता ही नहीं चला कि बुद्ध जो कहते थे कि इस संसार में दुख है और दुख आर्य सत्य है, तो अभी बुद्ध की बात में वह गहराई पता नहीं चल रही है, अभी बुद्ध की बात सच है या झूठ है इस बात का अभी हमें डाउट है। नहीं तो जब बुद्ध कह रहे हैं कि इस संसार में दुख है या आर्य सत्य है, तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ बिलेनियर बन जाओ, तुम यहाँ मिलेनियर बन जाओ, तुम यहाँ बिजनेस टाइकून बन जाओ, तुम यहाँ बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाओ, तुम यहाँ बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, तुम यहाँ बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन जाओ, तुम यहाँ राजा बन जाओ, तुम यहाँ महाराजा बन जाओ, लेकिन दुख आर्य सत्य है, तुम्हें दुख मिलना ही है, दुख से कोई तुम्हें निजात नहीं दिला सकता, इस संसार में दुख आएगा ही। और हम सोच रहे हैं कि हम राजा बन जाएं, हम सोचते हैं कि एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन जाएं, वर्ल्ड लीडर बन जाएं, हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाएं, बहुत हमारी वेल्थ हो, फॉर्च्यून हो, कुछ भी हो, दुख है, और दुख मिटाने का कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो संसार में हम दौड़ रहे हैं। दुख मिटाने का उपाय भी बुद्ध ने बताया, वही अगर यह समझ में आया कि दुख है तो फिर दुख मिटाने का उपाय भी जो बुद्ध ने बताया उसी को फॉलो करना होगा। बुद्ध ने कहा आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जहाँ से दुख का निरोध किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, पूरी तरह से दुख को खत्म किया जा सकता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। तो हमें बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के बताए हुए चार आर्य सत्यों को अपने जीवन में गहरे में पहले तो मनन करना है, सोच विचार करना है, उसको समझने की, उसको जानने की, और अपने जीवन को, अब तक जिए गए जीवन को देखकर यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वाकई में बुद्ध जो कह रहे हैं यह चार आर्य सत्य हैं, क्या यह हम समझ गए? अगर समझ गए तो फिर अगला कदम अपने आप उठेगा, वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन। और अगला कदम जरूर उठेगा जब हम ध्यान साधना के लिए तैयार अपने को कर पाएंगे। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।